हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है नायका हॉल। मैंने नायका की अभी हॉट पिंक सेल चली थी, तो मैंने उसमें से काफ़ी कुछ तो नहीं बट जो जो मुझे ज़रूरत थी मैंने वो चीज़ें ऑर्डर करी। और उससे पहले नायका पे एक लॉरियल का एक सेल आती है जिसमें लॉरियल अपने कुछ प्रोडक्ट्स को आई थिंक 500 में कर देता है, तो मैंने उसमें से भी कुछ शॉप किया था। और अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको भी इसमें से किसी का रिव्यू चाहिए या आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी भी नायका पे सेल काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो क्या मेरे पास ये ऑर्डर 2-3 बार में आया था, लाइक एक बार में नहीं आया था, क्योंकि उनके जो होते हैं सेलर्स वो अलग अलग होते हैं। आई थिंक कुछ एक्सप्रेस करके नाम है, उससे आता है मेरे पास मोस्टली। तो और एक कार्ट, छोड़ो मुझे नाम याद भी नहीं है। तो गाइज, ये है मेरा नायका का बॉक्स जो मुझे इस बार रिसीव हुआ है जब मैंने नायका हॉट पिंक सेल से कुछ ऑर्डर कराया सामान। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले ऑर्डर करा था, आई गेस जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो मैंने लॉरियल के कुछ प्रोडक्ट मंगाए जो मुझे यूज़ करने थे और जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए, बट एक्सपेंसिव थे तो मैंने नहीं लिया, मैं भी सेल का वेट कर रही थी। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने ली है ये है लॉरियल का जेल लाइनर, और इसका जो प्राइस है 800, और ये मुझे 500 में मिला था। और क्योंकि मुझे कोई जेल लाइनर चाहिए ही था काफ़ी टाइम से, पहले मैंने सोचा था इन्वेस्ट करने का इंगलॉट में, क्योंकि मैंने उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं उनके मुंह से ही मैंने इंग्लॉट की काफ़ी तारीफ सुनी, तो मैंने सोचा सीधा मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। बट फिर मुझे ये 500 में दिखा इसका लॉरियल का, तो मैंने सोचा कि पहले इसको एक ट्राई देती हूं, देन फिर मैं इंग्लॉट पे जाऊं। और अभी है मेरा, गाइस मैंने मास्क काफ़ी टाइम से कोई भी मास्क परचेज नहीं किया, ना ही ट्राई करा है। तो अभी मैंने सोचा कि क्योंकि सेल थी 500 में तो मुझे ये मास्क दिखे। ये है लॉरियल का प्योर क्ले मास्क, एक्सफोलिएट एंड रिफाइंड पोर्स, और ये है 3 प्योर क्लेस प्लस रेड अलगाया, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो मैंने ये परचेज किया है और इसकी भी MRP है 750, और ये भी मुझे 500 में मिला था। और उसके बाद मैंने ऑर्डर करा है ये लॉरियल का मास्क, ये भी मैंने मास्क ऑर्डर करा है। ये है जैपनीज एक्टिव चारकोल मास्क, और ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये मेरी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और ये भी एक प्योर क्ले मास्क है, डिटॉक्सिफाइंग मास्क है ये और ये दोनों मास्क मैंने लॉरियल की तरफ से ऑर्डर करे थे क्योंकि मुझे मास्क ट्राई करने थे। और ये 500 मिल रहे थे, ये भी 750 है और ये भी 750 है, और मुझे ये दोनों ही 500 में मिल गए, सो मैंने परचेज कर लिया। और अभी मुझे एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक ही प्राइमर है जो कि है कलर बार का, तो मैं बहुत अफोर्डेबल भी प्राइमर्स ट्राई करने का सोच रही थी, बट मेरी एक प्राइमर पे काफ़ी टाइम से नज़र थी और वो है लॉरियल का बेस मैजिक, और ये मुझे कभी भी ऑफर में नहीं मिला कभी भी। इस बार ये भी उस 500 वाली सेल में था और ये है 970 का, और मुझे और अब मैं इसको यूज़ करूंगी अपने किसी मेकअप ट्यूटोरियल में या किसी लुक में, तो मैं इसका रिव्यू तब आपको शेयर कर दूंगी। अब आते हैं गाइज, ये था मेरा लॉरियल का जो मैंने 500 वाली सेल चलती है उसमें जो मैंने ऑर्डर करा। अब स्टार्ट करते हैं मैंने नायका की हॉट पिंक सेल से क्या क्या ऑर्डर करा है। तो मैंने उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, बस यू नो जो जो मेरी ज़रूरत का सामान था सिर्फ वही मैंने ऑर्डर करा है। तो पहला मैंने प्लम की जो रेंज है, ग्रीन टी रेंज, उसमें से मैंने फेस वॉश ऑर्डर करा है गाइस। ये है ग्रीन टी फेस वॉश, मैंने ग्रीन टी फेस वॉश और टोनर, ये मैंने बहुत बार यूज़ करे, लाइक ये मेरी 3rd ट्यूब है, ठीक है। और ये है टोनर प्लम का ग्रीन टी का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको रीपर्चेज किया है। और ये बेस्ट यू नो टोनर है ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, और ये मेरी 3rd बॉटल है, ठीक है। और इसे मैंने ग्रीन टी रेंज में, ये मेरा फर्स्ट परचेज है, मैंने आज तक प्लम का यू नो ग्रीन टी जो मास्क है मैंने वो कभी भी ट्राई नहीं करा, बट क्योंकि इस बार मुझे ऑफर में मिल गया और मुझे इसका मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए था क्योंकि मैं मॉइस्चराइजर मुझे इसका नहीं अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं
इसमें इस बार इसका मास्क ट्राई कर लेती हूँ। अच्छी स्मेल है, जैसे इसके फेस वॉश में से आती है, इसके टोनर में से आते हैं, सेम स्मेल इसी में से इस मास्क में से आ रही है। तो मैं इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कितना इफेक्टिव है और कितना असर करेगा आपके पिंपल्स के लिए। ठीक है, तो ये थी मेरी थर्ड परचेज और ये मेरी लास्ट परचेज है ग्रीन टी रेंज की। प्लस आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी जरूरत का सामान मंगाया है, और ये है मेरा इनवॉइस लाइक बिल। इसमें से मैं आपको सारे जो मुझे डिस्काउंट मिला है मैं उसको बताऊंगी। तो पहला मैं आपको दिखाऊंगी नेल पेंट्स, ये है फेसेस कैनेडा की नेल पेंट। तो ये मेरे को, मैंने दो शेड्स मंगाए हैं, एक ग्रीन और एक ये पिंक। ये बहुत ही समरी कलर है, ये आई थिंक 200 की है, मुझे पड़ी है 149 की एक। मैंने ये न्यूट्रोजीना का डीप क्लीन एक छोटू सा 110 रुपए का ये आता है पैक, मैंने ये ऑर्डर करा है क्योंकि बहुत ट्रैवल फ्रेंडली और मुझे इसकी ना बहुत क्यूट पैकेजिंग लगी थी। और ये मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड करा क्योंकि मेरा जो कार्ट का जो सामान था वो शिपिंग फ्री नहीं हो रही थी उसकी, इसलिए मैंने इसको भी अपने कार्ट में डाला और उससे फिर शिपिंग फ्री हो गई। और ये मेरे को बहुत मन था, ये क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है। और ये मुझे आई गया, हाँ ये मुझे ऑफर में पड़ा, ये मुझे 88 का पड़ा, ये है 110 का। और उसके बाद मैंने लिया है ये लैक्मे का ग्रीन लाइनर। गाइस ये लाइनर बहुत प्यारा है, मैं इसके साथ भी आपको इसका रिव्यू भी शेयर करूंगा और एक इसके साथ लुक क्रिएट करूंगी जल्दी। और ये था 130 का और ये मुझे किसी ऑफर में नहीं मिला, ये 130 का ही मुझे मिला है। ये बायोटिक का बायो कैरेट सीड एंटी एजिंग आफ्टर बाथ बॉडी ऑयल, ये मैंने देखा, ये मुझे 135 का, ये मुझे आई गेस 25% ऑफ था सारे बायोटिक प्रोडक्ट्स पे, तो ये 101 रुपए का। और ये मुझे ट्राई करना था, एंटी एजिंग लिखा है, अभी तो मैंने इसकी सील भी नहीं ओपन करी है, ऐसा देख सकते हो ये भी। गाइस पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा था बर्थडे मंथ जुलाई, तो मैंने स्पेशली ये जो हॉल किया मतलब ऑर्डर किया, इसमें मुझे क्योंकि नायका बर्थडे पे एक आपको गिफ्ट देता है अगर आप 5000 की परचेज कर लेते हैं पूरे साल की, उससे अबव या 5000 तक, तो आप उसके प्राइम मेंबर बन जाते हैं और फिर वो आपको बर्थडे मंथ में अगर आप कुछ परचेज करते तो उस पर आपको गिफ्ट मिलता है। तो मैंने पिछले साल भी इसी मंथ में कुछ ऑर्डर करा था तो भी मुझे अच्छा खासा गिफ्ट मिला था, लाइक एक शीट मास्क था नायका का और एक थी लिप बाम। लिप बाम भी आई गेस 150 की तो होगी ये, शायद 150-200 की, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस मंथ भी मैंने इसीलिए ऑर्डर प्लेस करा था कि मुझे नायका से कुछ गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि मैं नायका से मोस्टली शॉपिंग करती हूँ अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की और अपने एसेंशियल थिंग्स की। इसलिए तो मैं अब आपको लास्ट में ना एक अपना जो मुझे गिफ्ट मिला है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो गाइज अब मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लिया वो था मेरा निविया का बॉडी लोशन। मेरा बॉडी लोशन भी खत्म था तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर करा और ये भी आई गेस 25% ऑफ पे या 35% ऑफ पे था, मुझे पड़ा है 299 का और ये है आई गेस 425 का है ये, और मुझे पड़ा है 299 का यानी कि 300। तो ये भी अच्छी डील थी इसलिए मैंने लिया। और फिर मैंने ऑर्डर करा है ये बायोटिक का फ्रूट लिप बाम, वाइटनिंग लिप बाम है ये। गाइस ये लिप बाम बहुत अच्छी है और इसमें कलर भी है एक प्यारा सा, देख सकते हो आप, और ये बहुत बहुत प्यारी है इसकी फ्रेग्रेंस। और इसके देखो ये मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करती है और बहुत अच्छी है। वाइटनिंग के लिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने इतनी यूज नहीं करी, मैंने एक बार उस टाइम लगाई थी और अभी लगाई, दो बार ट्राई कर चुकी हूँ और मेरा थर्ड टाइम था या अभी मैंने जो लगाई है, काफी अच्छी है, काफी मॉइस्चराइजिंग है। जो बाल है ना वो काफी फ्रिजी है नीचे से, ठीक है, अगर मैं उनकी केयर ना करूं लाइक सीरम वगैरह कुछ ना लगाऊं तो बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। मैंने ये ऑर्डर करा है, ये है बी ब्लांड की एंटी फ्रिज लिव इन क्रीम। गाइस जिसके भी आप में से अगर जिसके भी फ्रिजी हेयर है ना, आप प्लीज इस क्रीम को एक ट्राई दीजिए, अपने स्किन केयर सॉरी अपने हेयर केयर में इसको इंक्लूड कीजिए और फिर इसके जो बेनिफिट्स है ना वो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतने अच्छे हैं। तो मैंने इसको फिर से परचेस किया और मुझे बड़ी बॉटल पहले ऑफर में थी, फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, फिर मुझे छोटी मंगानी पड़ी, बट देखती हूँ अगर अब फिर से कोई हैवी डिस्काउंट आता है तो मैं उस बड़ी वाली को भी ऑर्डर करूंगी, बट अभी मैंने छोटू सी ऑर्डर करी और आई थिंक ये 250 ये है 75 ग्राम, वो आई थिंक 250 ग्राम की होती है शायद बड़ी वाली, वो
425 की थी और ये है 275 की। और इसका जो मुझे सेल प्राइस है वो मैं बताती हूँ, सेल में मुझे पड़ी है 234 की, जबकि उस पे ना जो बड़ी वाली बॉटल थी जो 425 की वो थी 35% ऑफ या फिर 25 पे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई जब तक मैंने ऑर्डर करा। मुझे इस बार सिर्फ और सिर्फ ये शीट मास्क मिला है बर्थडे गिफ्ट में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।